बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हा जब किसी कब्र को देखते थे तो वो बहुत रो पड़ते थे, इतने में कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हा की दाढ़ी मुबारक भी तर हो जाती थी। किसी शख्स ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हा से पूछा कि जब आप जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करते हैं तो तब आप नहीं रोते और कब्रों को देखकर आप रो पड़ते हैं, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ने फरमाया, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कब्र आखरत की पहली मंजिल है, अगर वहाँ निजात मिल गई तो बैत के सारे मराहल आसान हो जाएंगे, अगर वहाँ निजात नहीं मिली तो बैत के सारे मराहल दुश्वारी हो जाएंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मैंने जितने भी मनाजर देखे हैं, कब्र का मनाजर सबसे खौफनाक होता है, तो अल्लाह ताला हम सबको कब्र के अजाब से बचाए।